सो हे गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अच्छा, आप लोग तो JNB का तो नाम सुने हैं, जवाहरलाल नवोदय विद्यालय, जो कि हर जिला में एक तो विद्यालय रहता ही है। तो वो विद्यालय जो है वो हमारे मतलब गांव में ही है, धनबाद जिला का, जो कि हमारे गांव से 2 किलोमीटर पड़ता है। तो सोचे कि वहीं पर जाए, थोड़ा सा ब्लॉग बना दे, मतलब सब किसी को पता नहीं रहता है लोकेशन कहाँ है। तो बस इस ब्लॉग के जरिए आप लोग को पूरा डिटेल्स में बताने वाले हैं कहाँ पर विद्यालय है। तो बस वही जाने वाले हैं और वहीं पर ब्लॉग शूट करने वाले हैं। तो चलिए वहीं पर जाके आप लोग को सारा चीज दिखाते हैं। तो चलिए बस ब्लॉग को आप कंटिन्यू देखते रहिए, ब्लॉग का क्या करना चाहिए मजा लीजिए। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप लोग संगठित होकर आ रहे हैं तो पहले तो पगला मोड़ मिलेगा, पगला मोड़ पार करके बिना गोड़िया मिलेगा, जो कि बिना गोड़िया में ही नवोदय विद्यालय है। तो चलिए आगे आगे आप लोग को लोकेशन दिखाते हैं कहाँ पर है। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. So फ्रेंड, बिना गोड़िया आते ही आप लोग को राइट साइड घूमना है। तो बस इधर ही एक रोड जाता है राइट साइड, तो उधर आप लोग को घूमना है। तो बस उसके बाद आप लोग को सीधा ही जाना है और उसके बाद ही आप लोग को विद्यालय मिल जाएगा। फाइनली गाइस, ये अंदर जाने का गेट है। तो चलिए आपको अंदर का कैंपस दिखाते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो ये कैंपस है विद्यालय का। तो गाइज, आप लोगों को तो कैंपस पूरा नहीं दिखा पाएंगे, थोड़ा सा दिखा पाएंगे। तो आप उस अंकल का देख लिए गेट में। तो अंकल बोले कि थोड़ा सा जाइए उधर, उसके बाद आ जाइए, मतलब बॉयज हॉस्टल है उधर तक ही चल जाइए, उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल तरफ मत जाइए। तो ये थोड़ा बहुत आप लोगों को दिखा देते हैं। तो ये विद्यालय देखिए पूरा सजा के रखे हैं, पूरा पार्क की तरह। तो देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए थोड़ा बहुत आप लोग को दिखा देते हैं, मतलब उतना अंदर जाने का परमिशन नहीं मिलता है, तो थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। तो गाइस, यहीं पर ये विद्यालय जो कि यहीं पर पढ़ाई होता है। तो आगे है बॉयज हॉस्टल और इधर है गर्ल्स हॉस्टल। तो बस यहीं तक आप लोग को दिखाने वाले हैं, मतलब आगे जाने का उतना परमिशन नहीं मिलता है। तो देखते हैं बॉयज हॉस्टल शायद जा, मतलब परमिशन मिल जाएगा, लेकिन इधर नहीं मिलेगा। बस थोड़ा बहुत आप लोग को दिखा देते हैं। तो अभी तो फिलहाल तो आप जानते हैं लॉकडाउन के चलते छुट्टियां नहीं, तो बहुत स्टूडेंट देखने को मिलता ही आप लोग को। तो यहाँ पर जो पढ़ाई होता है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक होता है, और सॉरी 12 तक होता है। हम भी मतलब एक बार ट्राई किए थे आने का, लेकिन हो नहीं पाया था कुछ नंबर के कारण। सीबीएसई बोर्ड का मिलता है, हाँ, तो जो इसका सर्टिफिकेट मिलता है सीबीएसई बोर्ड का है। तो चलिए थोड़ा सा ग्राउंड भी आप लोग को दिखाते हैं, जो कि थोड़ा बहुत मतलब बच्चा है जो कि यहाँ का जो टीचर रहते हैं उन्हें लोग का लड़का सब है, काफी हुई लोग हैं, नहीं तो स्टूडेंट तो अभी नहीं है फिलहाल। देख सकते हैं ये ग्राउंड है। तो अंदर तो नहीं जाएंगे, बस यही सब आप लोग को दिखाने वाले हैं। तो आप लोग तो जानते ही हैं हर जिला में एक जवाहर नवोदय विद्यालय रहता ही है, जो कि बिना गोड़िया में है।
तो फ्रेंड ही विद्यालय है जवाहर नवोदय विद्यालय निरसा सॉरी बेनागोड़िया निरसा धनबाद, तो ही पर मतलब क्लास लिया जाता है स्टूडेंट लोग का, तभी फिलहाल तो स्टूडेंट्स अब नहीं है। अब हम लोग जा रहे हैं, जितना हो सकता आप लोग को तो दिखाई दिए नवोदय विद्यालय कैसे दिखने में सॉरी देखने में। हाँ जो कि परमिशन नहीं मिलता है, मतलब उधर तक गर्ल्स हॉस्टल है इधर बॉयज हॉस्टल है, तो बॉयज हॉस्टल जिधर था तो आप लोग को तो ही दिखा दिए, इधर है गर्ल्स हॉस्टल। 15 अगस्त वो देख सकते हैं कैंपस, मतलब बैठने का जगह है जो कि शाम के टाइम मतलब टाइम एक्सपेंड करते हैं। प्रतिभाव इस बार तो कोई प्रोग्राम भी नहीं हुआ 15 अगस्त में लॉकडाउन की वजह से। चलिए अब थोड़ा बहुत आप लोग को साइड से दिखाते हैं। देख सकते हैं साइड में वो मतलब इंग्लिश मीडियम का भी स्कूल है जो अभी ओपन मतलब बना हुआ है, अभी ओपन नहीं हुआ है कोरोना की वजह से। अभी देख रहे हैं आप लोग, अरे मेहता था जो उधर गए थे हम लोग। जो जो स्कूल बना है बहुत बड़ा एरिया लेके ही बना हुआ है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। स्कूल के सामने भी एक मंदिर है, स्कूल के सामने जो बजरंगबली मंदिर है, तो उसका भी थोड़ा सा आप लोग को दर्शन दिला दिए। तो सो गाइस आप लोग को तो सारा चीज दिखाई दिया, आप मेरा हम लोग का फेस भी देख सकते हैं जो कि सामने ही स्कूल है, तो उतना रेडी होके नहीं आए, बस ब्लॉग के चलते थोड़ा सा आ गए, मतलब आप लोग को दिखाएंगे। तो बस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, तो आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अब ब्लॉग को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अब बेल आइकन का क्या करना चाहिए ऑल पर प्रेस कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।